समस्या थी। आपने राजस्थान में जल जीवन मिशन के माध्यम से 32,000 करोड़ रुपए देकर राजस्थान में राजस्थानवासियों की प्यास पहुंचाने का काम किया। ये राजस्थान कभी नहीं भूल पाएगा कि आपने हमारी महिलाओं को इज्जत घर के रूप में 81 लाख शौचालय बनाने का काम किया। ये कभी नहीं भूल पाएगा कि उस गरीब के सर पर छत हो। राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के 19 लाख उन भवनों को राजस्थान का गरीब भूल नहीं पाएगा। और राजस्थान का किसान आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिना मांगे उस राजस्थान के किसान के खाते में अब तक इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 16,600 करोड़ रुपये पहुँच गया। ये वो छोटी बात नहीं। राजस्थान में भारतमाला हो, ये राजस्थान में वंदे मातरम ट्रेन हो, दिल्ली और जयपुर की दूरियां कम करने का काम हो, राजस्थान के अंदर इस युग के अंदर जो विकास की श्रृंखला चली है उन सब के लिए राजस्थानवासी आपका कृतज्ञ रहेंगे। मैं इस अवसर पर, इस धरती पर, ये वीरों की धरती, सूरवीरों की धरती, त्याग तपस्या की धरती पर आपका स्वागत करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ जी। मान्यवर, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 9 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास होने जा रहा है। वे हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा का स्थायी कैंपस, GSPL इंडिया गैस नेट लिमिटेड GIGL महसाणा बटिंडा गैस पाइपलाइन परियोजना का पाली हनुमानगढ़ खंड, IOCL LPG बॉटलिंग प्लांट अजमेर में अतिरिक्त 2x1200 मैट्रिक टन भंडारण, HPCL LPG प्लांट आबू रोड, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत नाथद्वारा में पर्यटन सुविधाओं का विकास, NH-52 पर दरा झालावाड़ 3 धार खंड का निर्मित 4-लेन सड़क, चित्तौड़गढ़ नीमच रेल लाइन का दोहरीकरण, चित्तौड़गढ़ कोटा रेल लाइन का विद्युतीकरण, सवाई माधोपुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 552E के किलोमीटर 76 पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण एवं चौड़ीकरण। अब हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर पट्टिकाओं का अनावरण कर राजस्थान की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। अब प्रस्तुत कर रहे हैं आज के समारोह में लोकार्पित एवं शिलान्यास की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में जानकारी दर्शाती हुई एक लघु फिल्म। राजस्थान सांस्कृतिक धरोहरों और वीरों की भूमि। बीते 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे कई विकास कार्यों के उपहार दिए हैं और आज 7,000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स की सौगातें साथ लाए हैं। राजस्थान के नागरिकों का जीवन आसान बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से चित्तौड़गढ़ नीमच रेल खंड पर 56 किलोमीटर लाइन का दोहरीकरण किया गया है। 140 करोड़ की लागत से कोटा चित्तौड़गढ़ के बीच 155 किलोमीटर लाइन का विद्युतीकरण किया गया। साथ ही करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से आबू रोड पर तैयार है HPCL का LPG बॉटलिंग प्लांट।
ये आसपास के जिलों के 104 वितरकों तक प्रतिवर्ष 86 लाख सिलेंडरों का वितरण करेगा। राजस्थान का सामर्थ्य पूरे देश को प्रेरणा देता है। हमें राजस्थान के सामर्थ्य को भी बढ़ाना है और देश को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। राजस्थान को आत्मनिर्भर भारत का अहम भागीदार बनाने के प्रयासों की श्रृंखला में इंडियन ऑयल के अजमेर बॉटलिंग प्लांट की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने का प्रावधान किया है, जिससे कि एलपीजी आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार हो और आपूर्ति में व्यवधान से बचा जा सके। वहीं 4500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित 900 किलोमीटर लंबी मेहसाणा भटिंडा गैस पाइपलाइन राजस्थान के घर घर तक सीएनजी और पीएनजी कनेक्शन पहुंचाएगी और वायु प्रदूषण कम करने में भी साथ निभाएगी। राजस्थान को प्रगति पथ पर ले जाने को तैयार है न्यू नेशनल हाईवे 52, 1400 करोड़ से अधिक रुपए की लागत वाली 49 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क दरा से शुरू होते हुए तीन धार झालावाड़ के बीच की दूरी कम करती है और लोगों को व्यापार और बाजार से जोड़ती है। इसके अलावा सवाई माधोपुर शहर में ओवरब्रिज, नाथद्वारा में आधुनिक पर्यटक व्याख्या एवं सांस्कृतिक केंद्र और अन्य पर्यटक सुविधाएं, एजुकेशन हब कोटा में 120 करोड़ से अधिक की लागत से नव निर्मित ट्रिपल आईटी, डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और ये सब एक कदम है राजस्थान में व्यापार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने आशीर्वचनों से मार्गदर्शन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने बहुमूल्य संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव देवियों और सज्जनों, आज हम सबके प्रेरणा स्रोत पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। कल 1 अक्टूबर को राजस्थान सहित पूरे देश ने स्वच्छता को लेकर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। मैं स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन बना देने के लिए सभी देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, पूज्य बापू स्वच्छता, स्वावलंबन और सर्वस्पर्शी विकास के बहुत आग्रही थे। बीते 9 वर्षों में बापू के इन्हीं मूल्यों को देश ने बहुत अधिक विस्तार दिया है। आज चित्तौड़गढ़ में 7,200 करोड़ रुपए के जिन प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है उसमें भी इसका प्रतिबिंब है। साथियों, गैस बेस्ड इकोनॉमी का आधार मजबूत करने के लिए देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने का अभूतपूर्व अभियान चल रहा है। मेहसाणा से भटिंडा तक की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन से पाली हनुमानगढ़ सेक्शन का आज लोकार्पण किया गया है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार बनेंगे। इससे बहनों के किचन में पाइप से सस्ती गैस पहुंचाने का हमारा अभियान भी तेज होगा। साथियों, आज यहां रेलवे और सड़क से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी हुआ है। इन सारी सुविधाओं से मेवाड़ की जनता का जीवन आसान होगा, यहां रोजगार के नए अवसर बनेंगे
ट्रिपल आईटी का नया कैंपस बनने से एजुकेशन हब के रूप में कोटा की पहचान और सशक्त होगी। साथियों, राजस्थान वो प्रदेश है जिसके पास अतीत की विरासत भी है, वर्तमान का सामर्थ्य भी है और भविष्य की संभावनाएं भी है। राजस्थान की ये त्रिशक्ति देश का सामर्थ्य भी बढ़ाती है। अब यहां नाथ द्वारा टूरिस्ट इंटरप्रिटेशन एवं कल्चरल सेंटर का लोकार्पण हुआ है। ये जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर, सीकर में खाटू श्याम मंदिर और राजसमंद में नाथ द्वारा के पर्यटन सर्किट का हिस्सा है। इससे राजस्थान का गौरव भी बढ़ेगा और पर्यटन उद्योग को भी बहुत लाभ होगा। साथियों, चित्तौड़गढ़ के पास भगवान कृष्ण को समर्पित सांवलिया सेठ मंदिर भी हम सभी की आस्था का केंद्र है। हर साल यहां लाखों श्रद्धालु सांवलिया सेठ जी के दर्शन के लिए आते हैं। व्यापारियों के बीच भी इस मंदिर का विशेष महत्व है। भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत सांवलिया जी के मंदिर में आधुनिक सुविधाओं को जोड़ने का काम किया है। करोड़ों रुपए खर्च करके यहां वाटर लेजर शो, टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर, एमपी थिएटर, कैफेटेरिया जैसी अनेक सुविधाएं बनाई गई है। मुझे विश्वास है कि इससे सांवलिया सेठ के भक्तों की सहूलियत और बढ़ेगी। साथियों, राजस्थान का विकास भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है। हमने राजस्थान में एक्सप्रेसवे, हाईवे और रेलवे जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस किया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो या अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे, ये राजस्थान में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर को नई शक्ति देने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन भी शुरू हुई है। राजस्थान भारतमाला परियोजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में भी एक महत्वपूर्ण राज्य है। साथियों, राजस्थान का इतिहास हमें सिखाता है कि हमें वीरता, वैभव और विकास को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आज का भारत भी इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है। हम सबके प्रयास से विकसित भारत के निर्माण में जुटे हैं। जो क्षेत्र, जो वर्ग अतीत में वंचित रह गए, पिछड़े रह गए, आज उनका विकास देश की प्राथमिकता है। इसलिए बीते 5 वर्षों से देश में आकांक्षी जिला प्रोग्राम सफलता के साथ चल रहा है। मेवाड़ के राजस्थान के भी अनेक जिलों का इस अभियान के तहत विकास किया जा रहा है। अब तो केंद्र सरकार इस कार्यक्रम को एक कदम आगे लेकर चली गई है। अब हम आकांक्षी ब्लॉक्स की पहचान कर उनके तेज विकास पर फोकस कर रहे हैं। आने वाले समय में इस अभियान के तहत राजस्थान के भी अनेक ब्लॉक्स का विकास किया जाएगा। वंचितों को वरीयता, इस संकल्प को लेकर के केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी शुरू किया है। जिन सीमावर्ती गांवों को इतने सालों तक हमने आखिरी गांव माना जाता था,
अब हम उन्हें पहला गांव मानकर विकास कर रहे हैं। इसका बहुत अधिक लाभ राजस्थान के दर्जनों सीमावर्ती गांवों को मिलना तय है। मैं ऐसे ही विषयों पर अब से कुछ मिनट बाद और विस्तार से जरा खुले मैदान में बात करने का और मजा होता है। यहां कुछ बंधनों में बंधे रहना पड़ता है तो काफी बातें वहां करूंगा। राजस्थान के विकास के हमारे संकल्पों को तेजी से सिद्धि मिले इसी कामना के साथ मेवाड़ वासियों को नए प्रदेश के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए हम आपके आभारी हैं।